सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ लाइए। कैसा आपका हाल चाल है? बहुत बढ़िया है मौली साहब, अपन कहल जाओ। जी हम लोग बहुत अच्छा है। तो मौली साहब हम एला आई है जी कि लड़का लड़की के बीच मिलिए गेल बा ना, ओहो में ऊपर से अपने तक दीन इस्लाम वाला आदमी दिन रात मस्जिद में ठहरिया देवे वाला ना जी, दहेज तो अपने नहीं ले हम। तो कैसे बात करते हैं हम दहेज लेकर मौली साहब होगा तो दुनिया पर थूकी। हाँ दुनिया अपने पर थूकी अगर दहेज लेम तो, लेकिन फिर भी हमारा जो फर्ज बनल है वो क्लियर करे ला आइए एक बेर बा की न ले तो कौन बात नहीं की, अगर न तो ले हम तो कथी कथी ले हम क्लियर हो जाए तो फिर आगाड़ी की जो काम पाऊ हमने में लाग जाए थी। दहेज के जो बात है ना जी, लेने के बाद जो करेंगे वो लड़का जो मामा है ना, अच्छा मामा जी उसका सब कुछ देखभाल नहीं करते हैं। हम तो दिन दिन दुनिया में लगे हुए आदमी, हमको उसको कुछ वास्ता नहीं। अच्छा मतलब जो करेंगे वो उसका मामा मामा करेंगे, माने गार्जियन उसके मामा है जी। अच्छा मतलब वो दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो कितना लेंगे? लेंगे वही जानते हैं, नहीं लेंगे तो वही जानते हैं। अच्छा मतलब आप इसमें कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। अच्छा तो मौली साहब लड़कावा अपने के बाकी मामा के कैसे बात करते हैं? हमारा है ना। अब देखो जन्मदाता में बाप में ना वो अपने के, नगरीता में बाप के ना वो अपने के, अब बियाहो में जब दहेज के बात आयल तो का दो ओकर गार्जियन का दो ओकर मामा बा, ऐसे तो साफ पता चलता कि वो अपने के बेटा नहीं, वो मामा के बेटा बा। ये तेरी हो सब जने तरह में इतनी के चलते दहेज पाई लेता, ऐसा आदमी अगर दहेज बंद कर देवे तो दुनिया में कौनो दहेज ना लेता।